person. Hello guys, welcome back to my channel. I am your Shilpa Chaudhary and I hope you all are doing well and staying safe. तो जैसे कि thumbnail और title से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम कौन सा challenge करने वाले हैं. और इस challenge के लिए ना मैं last time ready थी और ना इस time ready थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप सब ने भी बोला है और साहिल ने भी तब बोला था कि ये challenge ज़रूर करना, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आपको पता है कि ऐसे challenges से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे शर्म आती है और डर लगता है, लेकिन बस यही डर निकालना है और आज हम इस challenge को करेंगे. और मैंने सारे comments वगैरह read किए थे कि आप mall में ज़रूर जाना, आप tram से ज़रूर जाना, तो मैं पूरा पूरा try करूँगी. try नहीं, वैसे tram में ही सबसे पहले हम साड़ी पहनकर जाएंगे और देखेंगे कि लोगों के क्या reactions होते हैं. और जो यहाँ पर मॉल ऑफ मरीना है वहाँ पे ना ज़्यादा फॉरनर्स ही होते हैं, तो उनके तो मुझे पता है कि बहुत वियर्ड ही रिएक्शंस आने वाले हैं. तो अभी मैं देखती हूँ कि सबसे पहले मैं कौन सी साड़ी लेकर आई हूँ. और फिर सबसे मेन टास्क, आज कोई मेरी ऐसे हेल्प कराने वाला इधर नहीं है, ना साहिल और ना, जैसे कि आपको पता है कि वो दी मुझे फटाफट साड़ी पहना देती थी, तो आज मुझे खुद पहननी है. और बस कोई नहीं गाइस, करते हैं इसको भी और देखते हैं कि फिर ये चैलेंज कैसे होने वाला है. सबसे पहले मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ कि मैं कौन सी लेकर आई हूँ. सो गाइज, मैंने इधर ही अपना सारा सामान ऐसे रखा हुआ है, मतलब साड़ी भी इधर ही रखी थी. अभी मैं ढूंढ लूँ फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ. सो गाइज, ये वाली साड़ी थी प्लेन जो साहिल को उस टाइम पर जल्दी जल्दी मिली, तो मुझे ये पहननी है. और इसका ब्लाउज़ तो देखो नहीं है, लेकिन कुछ टॉप वगैरह पहनती हूँ उसके साथ और फिर देखते हैं कैसी लगती है ये. वैसे तो कलर तो अच्छा लग रहा है बहुत. सो गाइज, मैंने सोचा है कि इसके ऊपर इसको ब्लाउज़ बना लेती हूँ और इसके ऊपर इसको जो है कैरी करती हूँ, क्योंकि वो तो है नहीं जो इसके नीचे पहनते हैं. मैं दिमाग से ही निकल गया था कि वो भी लाना है, तो वैसे ये सही लगेगा, इसके नीचे कुछ दिखना तो है नहीं बस. तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसको कैसे पहनूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ. सो गाइज, फाइनली एक घंटे के बाद ये साड़ी जो है मैंने पहनी है. और इसकी स्टोरी ये थी कि साहिल ने पता नहीं ऐसी बिना देखे साड़ी उठाकर दे दी, ना इस पर प्रेस है ना इस पर कुछ है, तो मैंने पहले तो ऐसे गिव अप कर दिया कि नहीं करती हूँ. लेकिन फिर सोचा देखी जाएगी यार, आज ऐसे कुछ नहीं करना है, आज अच्छे से चैलेंज करना है. जितनी शर्म आए सब भाड़ में जाए, बस मुझे ये चैलेंज कंप्लीट करना है और मुझे देखना है कि यहाँ पे लोग क्या रिएक्ट करते हैं इस साड़ी में मुझको देखकर. तो अब सबसे पहले नीचे चलती हूँ. और मैंने मोदीन को बोला था कि आज मेरी प्लीज़ हेल्प कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ना तो खुद को ले पाऊँगी ना लोगों के रिएक्शंस ले पाऊँगी, तो मेरा ब्लॉग शूट करेंगे वो. तो अभी हम सीधा नीचे चलते हैं और मिलते हैं फिर. मेरे को अभी वैसे नीचे भी जाने में शर्म आ रही है, क्योंकि यहाँ रिसेप्शन पे इतने सारे फॉरनर्स बैठे होते हैं ना, वो वैसे भी घूरते हैं. और अब तो साड़ी पहनी है तो अटपटी तो लगूंगी, उनको तो अब ज़्यादा घूरेंगे. बट वही है कि बस करना तो है ही. तो अभी चलते हैं और फिर दिखाती हूँ कि मैंने कैसे ये पूरी साड़ी पहनी है. गाइज, मैं आपको ऐसे दिखा दूँ कि मैंने ये ऐसे साड़ी पहनी है. मुझे बड़ी, अभी तक तो कोई है नहीं यहाँ पर, तो मैं फटाफट निकल गई, पर नीचे जाने का बड़ा खौफ है. गाइज, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है, एक तो कोई साथ नहीं होता ना तब तक और शर्म आती है. चलो शुरू हो गए हैं सब. गाइज, रिसेप्शन पे सब घूर रहे थे, मतलब कि अटपटा तो लगता ही है उनको ये क्या पहन कर जा रही है. बाकी अभी जैसे ही मोदीन आएंगे तो वो व्लॉग अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे. हेलो, अरे आप छोड़ो. यार अच्छा लग रहा है. क्या कहते हैं इसको? इसको क्या कहते हैं? हाँ, बेकार लग रही है यार, पर सब बहुत गंदी तरह घूर रहे हैं. और सबसे फनी चीज दिखाऊं? आप दिखाना इनको एक बार, रुकना. साड़ी इतनी हवा में उड़ रही है, इतनी ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती. और सबसे फनी चीज इसमें क्या है, क्या करूं, मेरे से नहीं हो रहा. क्या करूं? चलो बस Station is Marina Towers.
सो गाइस फर्स्ट मैं ट्रैम में तो आ गई हूँ और मैं इस साइड इसलिए फेस करके खड़ी हूँ क्योंकि मुझे आ रही है शर्म, पीछे सब देख रहे हैं और आती है यार ऐसे शर्म, आपको नहीं पता, आप पहनोगे ना साड़ी ऐसी ऐसी जगह पे आगे तो आपको पता लगेगा क्या मैं पीछे देखूंगी ही नहीं, मैं ऐसे ही खड़ी रहूँगी। और अब सबसे मेन टास्क मॉल, ये शूट करने वाला जो आप लोगों का भाई साहब है ना, इसको ये रिएक्शंस नहीं ले पा रहा ठीक से। यार सही था ट्रैम का एक्सपीरियंस, सही था, कोई सही नहीं था, मुझसे पूछो आपको तो कोई नहीं। ये मास्क पता है इन्होंने क्यों पहना है? क्योंकि इनको शर्म आ रही है, यही रीज़न है गाइस, ये नहीं मान रहे हैं। किधर जा रही हो? उधर कोई शर्म की बात नहीं है गाइस, आज मैंने साड़ी पहनी है तो मैं ट्रैम से नहीं डरूंगी। बड़ा वियर्ड सा एक्सपीरियंस है, ये लोग ना बड़ी अजीब तरह घूर रहे हैं। और ठीक है घूर रहे हैं तो घूर रहे हैं भाई, चैलेंज है, साड़ी तो पहनी है, कोई अटपटी चीज़ थोड़ी पहनी है, तो ऐसे इतना भी ऐसे ना फील करें। सबसे पहले तो इन्होंने ही करा दिया है। क्या बोला था आपने, ये क्या पहना है? क्या है ये क्या पहना भी तो फिर अभी थोड़ा आप ही कॉन्फिडेंस बढ़ा दो। ये लमास कर दो। सही लग रहा है? अब जब लोग ऐसे घूर रहे हैं तब सही नहीं लग रहा। कोई नहीं यार, एक बस एक राउंड मॉल का। ओह हाँ गाइज, अभी तक साड़ी की कंडीशन बिल्कुल ठीक है। सो गाइज यहाँ से हम लोग सीधा आ गए हैं इधर ताकि थोड़ा सा कुछ बैठ सकें, साड़ी पहन के घूमा नहीं जा रहा है। और आपको बताना था कि नीचे तब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मैं तो अपना ही बता रही थी आपको, और पीछे से उन्होंने बोला कि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है? प्राइवेसी इश्यूज हो गए हैं लोगों को, वैसे यहाँ पे हर कोई कैमरा लेके घूम रहा होता है, लेकिन आज मुझे चैलेंज करना है तो नहीं, आज से पहले तो कभी मना नहीं किया, पहली बार किया है।
तो अभी मेरे पीछे अगर कुछ दिख रहा होगा आपको, इतने लोगों ने घूरा है ना, इतने लोगों ने, तो बस वही है कि वीडियो के लिए मना किया तो फिर ठीक है, क्यों ही किसी के प्राइवेसी को हर्ट करना है। बट मैंने अपना चैलेंज बहुत अच्छे से किया है, कर भी रही हूँ। अभी मैं इधर ही हूँ, मैं घर नहीं जा रही हूँ, और हम वापस ट्रैम से जाएंगे, वही ऑप्शन है। बोट से भी जा सकते हैं, तो अभी देखती हूँ थोड़ी देर बाद। हो गया, बच्चे भी देख रहे हैं अब तो। गाइस, मुझे यहाँ आके शर्म आ रही है, भीड़ है यहाँ पे, और मैंने सोचा है कि मैं बोट से जाऊँ तो फिर सीधा घर ही जाऊँगी। अब बहुत हो गया साड़ी चैलेंज, और हर कोई ऐसे बैठ के मुझे घूर रहा था ना, बस मैं आपको बता नहीं सकती। सो गाइस, अब ये बोट से घर जाने का सोचा था, लेकिन क्या हुआ है? हाँ, 7 बजे तक इफ्तार ब्रेक है। अच्छा, तो अभी फिर हमें ट्रैम से ही घर जाना पड़ेगा, और अब मुझसे बिल्कुल नहीं पहनी जा रही है ये साड़ी, ये ना हो गई है लूज, यहाँ से भी खुल रही है, सब जगह से खुल रही है, और मैं नहीं चाहती कि ये अब पूरी खुली जाए। तो अभी ट्रैम से ही घर चलते हैं, और फिर बस वहीं जाकर आपको मिलेगा। गाइस, अब बिल्कुल हिम्मत जवाब दे चुकी है, बहुत गर्मी लग रही है और बहुत ही शर्म आ रही है यार। अब नहीं, अब बस बहुत हो गया, कोई और अच्छा चैलेंज देना। वैसे भी मॉल वाला तो फ्लॉप ही हो गया था, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मना था, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन थे लोगों के। आप क्यों डराते रहते हो मुझे? तो मुझे भीड़ से नहीं जाना था, इसलिए मैं इधर से जा रही हूँ, और फिर से ट्रैम में मुझे शर्म आ रही है जाने में, लेकिन बस घर पहुँच जाऊँ मैं जैसे तैसे। भाई साहब को नहीं दिखा रही मुझे, तो शर्म आ रही है, मैं चाहती हूँ ये मेरे साथ चले, तो इन्हें दुनिया घूम। बताओ, ये चैलेंज मैंने सही किया? अच्छा किया, बिल्कुल सही था ना? ठीक है। सो गाइस, काफ़ी हिम्मत चाहिए ऐसे ऐसे चैलेंजेस करने के लिए अलग कंट्री में। अपनी कंट्री में तो कर सकते हैं इजीली, लेकिन आज का एक्सपीरियंस अच्छा था। और मुझे अभी याद आया कि ये साड़ी वही है जब काजल ने साड़ी चैलेंज किया था तो पहनी थी। अभी ऐसे मुझे ध्यान आया, ये साड़ी मुझे लग रहा है बनी ही इसीलिए कि इसमें चैलेंज करो। फाइनली मैं तो पहुंच गई हूं, और अभी सीधा मैं घर जाऊंगी, और ये अपना घर जाएंगे, क्योंकि आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कहीं और जाने की। तो साड़ी चैलेंज कैसा लगा? पहले तो आपने तो बता ही दिया, अच्छा था ना? 10 में से 8। चलो ठीक है, बाकी गाइज आप लोग भी कमेंट करके बताना, पर मैं अभी ऊपर जाकर आप लोगों को बाय बोलूँगी, यहाँ सिर्फ इनको बाय बोलने आई हूँ। तो थैंक यू, आपने इतना मुझे सपोर्ट किया, और इतना मतलब आपने मुझे ये जो गंदे सा बाय, अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, फाइनली मैं घर पे आ गई थी, और अभी मुझे चेंज करना है, और मुझे पता नहीं क्या हुआ है, मेरी आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी मुझे चेंज लग रही है, मुझे ना चक्कर आ गए थे बहुत ज़्यादा, शायद मैं बिना खाना खाए ये चैलेंज करने चली गई, इसलिए कुछ ऐसा हुआ हो। लेकिन अभी बस चेंज करूँगी, थोड़ा रिलैक्स करूँगी, उसके बाद फिर व्लॉग एडिट करूँगी, और मुझे थोड़े से काम भी हैं, जो मेरी प्रमोशन वाला वर्क है वो भी मुझे करना है। और अगर ये चैलेंज आपको पसंद आया हो, देखो मैंने पूरा ट्राई किया साड़ी पहनकर, मैं सच बताऊँ आज मेरे लिए थोड़ा स्ट्रगल था। एक तो साड़ी बिल्कुल परफेक्ट सी नहीं थी ये, और ऊपर से वहाँ पे मॉल में मुझे
बनाने नहीं दिया उन्होंने कि अभी, पहले तो कभी मना नहीं किया, पता नहीं आज ही क्यों किया, लेकिन फिर भी बहुत लोगों के बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शंस भी थे, किसी किसी के बहुत वियर्ड भी थे, तो मुझे शर्म भी आ रही थी और नहीं भी आ रही थी, तो मेरा एक्सपीरियंस दोनों मिक्स वाला हो गया। बाकी अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी जो फूड कलर आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किए हैं, मुझे देखना है कि मेरे पास कौन कौन से कलर की आउटफिट है, और फिर हम फूड कलर भी करेंगे यहाँ के CVS स्टोर में, जो भी अगर मुझे नज़दीक लगेगा कि वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें वैसे कलर की मिल सकती हैं, तो क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी जगहें तो हैं, लेकिन वही है कि जैसा मुझे चाहिए कि एक ही जगह पे सब कुछ हो जाए, वो मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो बाकी मिलूंगी आपको कल के ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय गाइस।